उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी अपराधी होगा, कोई भी माफिया होगा, हमारी सरकार में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, उनकी पूजा नहीं होती है। नंबर एक, और श्री अखिलेश यादव जी चूंकि अपराधियों के सरगना हैं, माफियाओं के सरगना हैं, दंगाइयों के सरगना हैं, तो उनके द्वारा इस प्रकार के बयान आना कोई मुझे आश्चर्यजनक नहीं लगता। वो रोज इस प्रकार के बयान देते हैं, अपराधियों को साथ छोड़ दें तो उनके पास कोई ऐसा विरोध के लिए मुद्दा नहीं रहेगा। अध्यक्ष जी, पीएफआई को लेकर विपक्ष लगातार घेर रहा है, उसका कहना ये है कि द्वेष भावना से कार्रवाई की जा रही है, क्या कहना है? पीएफआई एक देश में हिंसा फैलाने वाला, देश के खिलाफ साजिश करने वाला और देश की एकता अखंडता को खतरा पहुँचाने वाला ऐसा संगठन जाँच में पाया गया है, और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों ने भारत सरकार को यह अनुरोध भेजा था कि ऐसे संगठन को प्रतिबंधित करना चाहिए जो समय समय पर हिंसा फैलाते हैं। तो ऐसे संगठन को प्रतिबंधित किया गया है जो केवल मुस्लिम वोटों की फसल काटना चाहते हैं, उनको आने वाले समय में इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। और हिंदू की कौन कहे, उनको मुसलमान भी वोट नहीं देगा, क्योंकि मुसलमानों में भी एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो पीएफआई के विरोध में। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल्स, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।